ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर जो है वी रेगुलरली कंडक्ट सच प्रोग्राम्स। जो हमारे एक आउटरीच है स्कूल्स और कॉलेजेस में, पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आइडिया इसका ये है कि जो बच्चे हैं उनमें जो एक्चुअल अवेयरनेस जो रिगार्डिंग ट्रैफिक आनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि आगे जाके ना कुछ चेंज हो सोसाइटी में। अल्टीमेटली अगर हम बच्चों में थोड़ी सी चेंज लाएँ, देयर आवर फ्यूचर, और आगे जाके यही चेंज आप सड़कों पे देखेंगे। सो दिस इज़ बीन एन जो हमारा एक एंडेवर रहा है पिछले 2 साल से, इसी की कड़ी है जिसमें आज हम यहाँ पे आए हैं। इट्स हैपनिंग रेगुलरली और इट्स अ रेगुलर फीचर फॉर अस। सर, इससे पहले भी आपने बहुत सारे स्कूल्स में खासकर माइनर्स कैंपेनिंग की है, जी तो कैसे रिजल्ट आया? देखिए, पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है और अगर आप चाहते हैं कि रातों रात ये ख़त्म हो जाएगी, हर किसी ने जो चेंज हम चाहते हैं ये रातों रात नहीं आती, इसको इसमें टाइम लगता है। और दूसरा ये है कि आउटरीच होनी चाहिए, आपने हर किसी के पास जाना, तब जाके आप जो एक्चुअली हम चाहते हैं कि चेंज हो वो तब पॉसिबल है। हम एनफोर्समेंट में भी जो है वो जाते हैं एंड वेरी स्ट्रिक्टली जाते हैं, लेकिन दिस हैज़ टू बी सप्लीमेंटेड बाई द आउटरीच जहाँ पे पब्लिक का जो है हमें साथ मिले और जो हमारे साथ चले, एंड पर्टिकुलरली दीज किड्स। अगर इनके दिमाग में हम अभी से ये डाल पाएँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू एडहियर टू रूल्स रेगुलेशंस, हमें क्यों हेलमेट पहननी है, हमें क्यों सीट बेल्ट पहनना चाहिए, रॉन्ग लेन ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, स्टंट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि जो हम चेंज जो चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि श्रीनगर में सेफ ड्राइविंग जो है हर कोई करे, दूसरा है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और जो इंजीनियर्स को कम कर पाएँ, ये तभी पॉसिबल है जब हम हर किसी के पास जाए और हर किसी को बोले कि ये हो रहा है और हमें आपकी हेल्प चाहिए इन चीज़ों को सुधारने। बेसिकली देखिए ना, ये बच्चे जो हैं ये काफ़ी इन चीज़ों को इम्बाइब करते हैं, ये जाके इनके जो सिबलिंग्स हैं ये इनके साथ बात कर सकते हैं, इनके जो कज़न्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनके साथ बात कर सकते हैं। इवन आई हैव सीन कि बच्चे फिर ना पेरेंट्स को रोकते हैं कि रैश ड्राइविंग ना करने से, या तेज़ रफ्तारी अगर कोई चल रहा टू व्हीलर तो ये रोक सकते हैं। तो इन ए वे दिस इज़ द चेंज दैट एक्चुअली वी वांट टू हैपन ऑन द रोड्स। ये लेकिन तब पॉसिबल है जब हम इनको इन्वॉल्व करें। बिल्कुल, दिस इज अ कि दिस इज पार्ट ऑफ द व्हाट इज हैपनिंग, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चल रहा है और आगे भी चल रहा है। सर, डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अभी यहाँ पे लॉन्च किया है, क्या आपको लगता है इससे वॉलेटर्स पे कुछ कर्व कर सकते? इसमें इट्स अ मेजर गेम चेंजर फॉर श्रीनगर। आप देखेंगे कि इसमें अगर आप वॉयलेट करेंगे आपको सिस्टम पकड़ेगा और आपका जो चालान वो जनरेट होगा ही होगा, और इसमें बचने का चांस कोई नहीं है क्योंकि फोटोग्राफ भी है इसमें और आपका वीडियो भी आपको दिया जाएगा। द सिस्टम इज़ वर्किंग, दिन हो या रात हो आपने रूल्स को फॉलो करना ही करना है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है, आप वॉयलेट करेंगे आप पकड़े जाओगे। इससे क्या होगा? इसमें मेजर चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे एक जो रुझान है कि हेलमेट जो है अगर पहनता है तो सिर्फ जो टू व्हीलर चलाता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम इज ट्रेंड अगर जो पीछे बंदा बैठा है पिलन राइडर उसने भी हेलमेट पहनी है, अगर उसने नहीं पहनी है दोनों ने नहीं पहने उसका भी चालान होगा। इस पर द सिस्टम इज ट्रेंड लाइक दिस, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना आपका चालान होगा, फ़ोन पे बात कर रहे हैं आपका चालान होगा, आप रॉन्ग लेन ड्राइविंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आपके चालान होंगे जनरेट होंगे और बाज़ाबता आपको जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका चालान पहुँचेगा। और आगे जाके जो है इसमें इस तरीके से भी जो चालान है ये आपके घर भी पहुंच सकता है आगे जाके, इसमें उस तरीके से जो है कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि हम बहुत सारी जो जंक्शंस हैं वी आर ओपनिंग देम अप, क्योंकि सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट फंक्शनल है, तो बराए करम बराए मेहरबानी जो ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करें, हेल्प अस इन कटिंग डाउन द एक्सीडेंट्स एंड नंबर ऑफ जो हमारी इंसिडेंट होती है इसको हम कम कर पाएंगे।